धीरज का फल मीठा होता है। सफलता पाने के लिए धीरज रखो, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ऐसा बोला जाता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम शहर एक दिन में नहीं तैयार हुआ, या आदमी जन्म के समय 6 फुट नहीं पैदा होता। हर चीज को टाइम देना पड़ता है, वैसे ही सफलता का है। सफलता के लिए समय देना पड़ता है, मगर हम इतने अधीर हो जाते हैं, धीरज नहीं रहता, और हमको तुरंत चाहिए। हम तुरंत के जमाने में हैं और हमको तुरंत सब चाहिए। इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट गुलाब जाम, इंस्टेंट डोसा। सफलता इंस्टेंट नहीं मिलती है, सफलता के लिए टाइम आपको देनी ही पड़ेगी। क्या आपको मालूम है चाइनीज बाम्बू ट्री की कहानी? चाइनीज बाम्बू ट्री, ये जो ट्री है, ये जो पेड़ है, ये पेड़ की कहानी ऐसी है कि इसका बीज बोने के बाद, जमीन में बीज बोने के बाद पहले 4 साल तक कुछ दिखाई देता नहीं है, जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई देता नहीं है। मतलब चाइनीज बाम्बू ट्री का बीज बोया, उसके बाजू में दूसरा पेड़ हमने बोया, उसका बीज बोया, तो दूसरा पेड़ फटफट फटफट ऊपर आ जाएगा, 2-4 फुट वो बड़ा हो जाएगा, और 4 साल में इसका बीज जमीन के बाहर भी दिखता नहीं है। मगर उसको 4 साल तक पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, उसकी केयर लेना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है। पांचवे साल में वो बाहर आता है, और आपको पता होगा कि 5 हफ्ते में वो 80 फीट ग्रो हो जाता है। 5 हफ्ते में 80 फीट, इतना बड़ा हो जाता है। क्या वो 5 हफ्ते में 80 फीट बड़ा हो गया? वैसा देखा जाए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 साल कहाँ गए, 4 साल उसकी केयर लेनी पड़ी। देखिए, हमारी बाइक चालू होती नहीं है, ओवरफ्लो हो गया है, हम उसको स्विच ऑन दे रहे हैं, उसको स्विच उसका ऑन कर रहे हैं, उसका स्विच प्रेस कर रहे हैं, चालू नहीं हो रही, चालू नहीं हो रही, चालू नहीं, काफी बार समय मतलब उसमें देते हैं, और कुछ समय के बाद में फिर वो चालू हो जाती है बाइक। क्या वो आखिरी का जो स्विच दिया, उसको इग्निशन दिया, वहां चालोगी? नहीं, पहले जो अपन ने दिए थे उससे उसका ओवरफ्लो जो था वो बर्न हो गया, वो चला गया। तो हमको समय देना पड़ता है, और समय के सिवा कुछ नहीं होता है। सफलता के लिए हमको काफी समय देना पड़ता है। कोई बिजनेस हम चालू करते हैं तो बिजनेस में भी समय देना पड़ेगा। हम ऐसा बोलते हैं कि हम बिजनेस चालू करते हैं तो उसको 1000 दिन, मतलब कम से कम 3 साल वो बिजनेस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, हमने उसको सपोर्ट करने इतनी ताकत मेरे में होना चाहिए जब मैं बिजनेस चालू करता हूं तब, कि भाई ये बिजनेस चला नहीं चला, 3 साल तक मैं वो बिजनेस को सपोर्ट करूंगा, वो बिजनेस खड़ा करने में पूरा वहां खड़ा रहूंगा, उसमें लॉस भी आता है तो उसमें डालूंगा, 3 साल बाद में मुझे वो फल देना चालू करेगा। तो जब मैं कोई बिजनेस चालू करता हूँ तो मुझे ये देखना है कि 3 साल तक क्या मैं रुक सकता हूँ, तभी वो बिजनेस चालू करना है। ऐसा है कि आज चालू किया कल मुझे फल होना है, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी होगा नहीं। तो आपको 1000 दिन, मतलब कम से कम 3 साल वो बिजनेस चलाना पड़ेगा। तो बिजनेस चालू करने के समय ये देखना है कि बिजनेस से मुझे 1 रुपये भी नहीं मिलता तो भी मैं, मेरा घर, घर का खर्चा 3 साल तक मैं बेयर कर सकता कि नहीं कर सकता? मैं बिजनेस से कुछ कमाने वाला नहीं हूं, उल्टा बिजनेस में डालना पड़ेगा तो मैं डाल सकता कि नहीं डाल सकता? तभी बिजनेस चालू करना है, क्योंकि 3 साल तो देने ही पड़ेंगे। तो कोई भी सफलता के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आपको अच्छे मार्क्स मिलाना है, विद्यार्थियों को आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलाना है तो आपको साल भर, 2 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आपको मेडिकल के लिए एडमिशन मिलेंगे, अच्छे मार्क मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आखिरी कुछ दिन पढ़ाई किया, लोग बोलते हमने आखिरी पढ़ाई किया और मार्क अच्छे मिले, ऐसा नहीं रहता है, दिखता नहीं है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसा बोलेंगे नहीं भगवान मुझे ऐसा कर, मुझे अच्छे मार्क दे दे फिर मैं बाद में पढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं, पहले पढ़ाई करना पड़ता है बाद में मार्क, मुझे बहुत प्रॉफिट दे दे फिर बाद में मैं काम करूंगा, नहीं, पहले काम करना पड़ेगा बाद में प्रॉफिट मिलेगा। तो फल जो है वो फल मिलने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, शांति से काम करना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, तो आपको फल मिलेगा। गीता में तो कहा है कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, चिंता मत कर फल की, कर्म करते रहे और कर्म करते करते आपको फल मिल जाएगा। तो ये आप ख्याल में रखो, धीरज रखो, धीरज रखेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, और धीरज का फल मीठा होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।